कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करे अपने IASPSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आर्ट एंड कल्चर है ना, तो आर्ट कल्चर और ट्राइब्स, तो ट्राइब्स से रिलेटेड ही आर्ट एंड कल्चर्स हैं, जिसमें हमारी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने आर्ट, मैरिज सिस्टम वगैरह जो सारी चीज़ें कर ली हैं। अब एक लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से ट्राइब्स का कौन कौन सा ऑक्यूपेशंस थे, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशंस और ये हमारे पास हैं अभी, सॉरी ऑक्यूपेशंस अभी देखना है और आपका ट्राइबल डांस के फॉर्म है। इससे पहले हमने जो वीडियो देखे थे उसमें मैरिज सिस्टम और इन सब चीज़ों को देख लिया था, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट लगभग लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो देखिए, इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑक्यूपेशन से, एक क्वेश्चन ये ऐसे ही आ जाता है और दूसरा है इनके डांस फॉर्म से, है ना। तो डांस फॉर्म तो बहुत से सारे हैं अलग से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे मैं बताऊँगा और ईजी वे में, मैं बहुत सारी चीज़ों को इसको डायरेक्टली नहीं लिख पाया इंग्लिश में, इतना ईजी है वो कुछ नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई होप सो, ठीक है। ये शैला, तो ये सैला या डंडा इस टाइप का तो आप लिख ही सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कौन लिखेंगे, तो गोंड ट्राइब लिखेंगे, ठीक है, या गोंड या फिर बैगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस अल्फ़ाबेट है ना। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ भाई कि आप लिख लेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में लिख लिया। एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ कुछ मात्राएँ जो है ना वो इंग्लिश को वो करती है, जैसे कि मैं बताया अभी था, तो उराव वगैरह जो है ना, तो उसको आप इंग्लिश में अलग लिखते हो, तो हिंदी में होने से आप इंग्लिश में कर लेते हो, लेकिन इंग्लिश से हिंदी में थोड़ा सा मात्राओं में फर्क आ जाता है, इसलिए मैंने उसको हिंदी में लिखा, ठीक है। देन इट्स इजी वे टू भाई कन्वर्ट, आप मैसेज करते हैं नॉर्मली वैसे ही है ना, नथिंग एल्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें टेंशन लेने वाली बात है। हम देखते हैं ऑक्यूपेशंस, जो जनजाति कार्य है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा गया है भाई, कत्था निकालने का कार्य कौन करता है, जमीन खोदने का कार्य कौन करता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन भाई डिगिंग किसका, ये सर पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है। कोयला निकालने का काम कौन करेगा, ठीक है। बांस के शिल्पकारी में भी अभी मैं देखता हूँ, जो बैम्बू आर्ट बताएंगे ना, तो ये सारी चीज़ों में अलग अलग है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को सबसे पहले समझते हैं। देखो ये अगरिया है, एक अगरिया मैं बताया था, मैकाल रेंज पे मिलते हैं अगरिया और आपके बैगा लोग। तो बैगा लोग जो है वो मेडिसिनल मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, ठीक है। इनको ये बैगा छुड़िए है, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ बैगा। तो बैगा क्या करते हैं, ये लोग उपचार करते हैं, वैद्य का काम करते हैं, वैद्य, ठीक है। इनको औषधीय ज्ञान होता है, मेडिसिनल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है इनका मेडिसिनल जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगरिया, अगरिया जो है ये आपका आयरन, ठीक है, आयरन बनाते हैं, आयरन ओर से, ठीक है। ये मैं बताया भी था आप लोग को कि माना जाता है कि भाई लोहे का खोज ये लोग पहले से कर चुके थे, बट ये ज़्यादातर आए नहीं, ठीक है, इसी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयरन ओर से ये आयरन बनाने का कार्य करते हैं। फिर कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार, ठीक है, कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार, ये चार आपके कहीं ना कहीं बैम्बू आर्ट से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं बनाता है, ऐसा पूछ लेता है, ठीक है। कमार क्या करता है, कमार जो है ये बर्तन वगैरह बनाने का काम करता है, मैंने बताया था, पर्रा, टोकरी, झउहा, सुपा, इस टाइप के जो है ना ये बनाते हैं। और कंडरा जो है, ठीक है, मतलब कमार जो है ना ये बनाते हैं, मतलब इसके शिल्पकारी है बांस में, सॉरी ये कंडरा है। जैसे बर्तन कौन बनाएंगे, तो ये बर्तन के लिए फेमस है, पॉट्स, ठीक है, ये पॉट्स के लिए कौन है, तो आपके कमार, अरे यार कमार बोलता हूँ, कंडरा फेमस है। कमार जो है वो आर्ट बनाते हैं, मतलब दूसरी चीज़ें बनाते हैं, बर्तन नहीं, कमार जो है दूसरी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन बांस से ही बनाते हैं, ठीक है, मतलब बर्तन नहीं बनाते हैं, वो कोई दूसरा आइटम बनाएंगे, जैसे टेबल कुर्सी से रिलेटेड, आपके दरवाजे चौखट वगैरह से रिलेटेड, इस टाइप के बैम्बू आर्ट में माहिर है, ठीक है। घर वर में बनाने के लिए अलग से आर्ट वगैरह, वो है आपका कमार का। और कंडरा जो है स्पेशली बर्तन बनाते हैं, याद रखना, कंडरा बर्तन बनाते हैं, और बिरहोर और धनवार भी आपके कुछ कुछ आर्ट में माहिर है, जो बर्तन से लेके बहुत सारी चीजें बनाती हैं। लेकिन कमार को याद रखना, कमार जो है इसे धनुष वनुष तीर वगैरह भी बांस से बहुत अच्छा बनाते हैं, और स्पेशली शिकारी भी हैं कमार जो है ना। दो प्रजाति उनकी प्रजाति होती है इनकी कमार की, एक होता है मकाड़िया और एक होता है बुधरजिया।
मकाड़िया और बुधरजिया, ठीक है। तो मकाड़िया जो है वो बंदर का मांस खाते हैं और बुधरजिया नहीं खाते हैं, और ये लोग जो है बंदर का शिकार भी करते हैं, ठीक है, तीर और धनुष से। इसलिए कमार, इसको याद रखना, कमार, ठीक है, मारते हैं एकदम सीधा मार देते हैं, ठीक है। कंडरा, बिरहोर, ये सब भी अपना बनाते हैं। कंडरा को स्पेशली याद रखना, ये मैं बार बार कमार बोल रहा था, कंडरा जो है वो बांस के बर्तन बनाते हैं, जहां वहां सूपा टुकनी, ठीक है, ये सब कौन बनाएगा, पर्रा वगैरह जो है कंडरा बनाते हैं। बाकी सब के सब आपके कुछ ना कुछ बैम्बू आर्ट में है, कहां तक, धनवार तक। हलवा एग्रीकल्चर में है, बता चुका हूं। धुरवा भी एग्रीकल्चर में है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, स्ट्रांग कौन है, हलवा है, आपको पता ही है, ठीक है। और वो पोहा वगैरह चिवड़ा बनाने का कार्य करते हैं, जबकि धुरवा जो है एग्रीकल्चर तो करते ही है। इनका जो सुगर केन से रिलेटेड है ना प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं वो, जैसे कि आपका गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, इस टाइप से रिलेटेड जो है वो बना करके बेचते हैं। कौन, आपके धुरवा लोग। खड़िया, खड़िया जो लोग है ना पालकी ढोने का काम करते हैं, दुल्हन का पहले पालकी चलती थी, ये मेरे को इंग्लिश टर्म अभी याद आया नहीं इसलिए मैं नहीं लिखा हूं, आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो खड़िया जो है क्या करेंगे, पालकी ढोने का कार्य करते हैं, जैसे दुल्हन वगैरह को ले जाना रहता है ना डोली में बिठा करके, तो ऐसा टाइप का पालकी ढोने का कार्य जो है मेनली काम करते हैं, उठा करके लेके जाते हैं ना पालकी, है ना, जय कन्हैया लाल की वाला हाथी घोड़ा पालकी, तो ये सुने होंगे आप लोग, इनका ढोना मेन इनका ऑक्यूपेशन है। कोरकू, कोरकू का काम मेनली जमीन खोदने से है, डिगिंग से है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो हीरा निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, जमीन खोदने का मेनली कार्य करते हैं वो, कोरकू कहलाएंगे। खैरवार, कत्था निकालते हैं, खैर जो ट्री है, खैर ट्री है ना, उससे कत्था निकालने का काम करते हैं उसको, ठीक है, वो कलेक्ट करते हैं कत्था, उसको याद रख लेना। पारधी, पारधी का मैं बताया था, एक हंटर है, ठीक है, हंटर कैसा हंटर, तो ये ब्लैक बर्ड का ही हंटिंग करते हैं, ठीक है, काले पक्षियों को चुन चुन के मारते हैं, है ना, ऐसा याद रख लेना, और थोड़ा सा याद रखने के लिए बस बता रहा हूँ मैं। कंवर, कंवर जो है ये सैन्य कार्य करते हैं मिलिट्री में, ठीक है, जो इनके राजा थे ये अपने आप को कौरव के वंशज भी मानते हैं, याद रखना, कंवर जो है, और ये सैन्य कार्य करते हैं, भाई कहीं ना कहीं हम युद्ध वगैरह लड़ते हैं इसलिए वो सैन्य कार्य करने के लिए अपने आप को जाने जाते हैं। भतरा मैं बताया था, सर्विस सेवा वाला कार्य करते हैं लोगों की, और इनका स्थान समाज में सबसे ऊँचा है, ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना, भतरा सर्विस, मेन वर्क सर्विस ये। कोल, कोल जो है आपका क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, कोयला खोद करके निकालने का काम करते हैं, कोल माइनिंग, ठीक है, तो इसको याद रखना। एक शिकारी है, तो शिकारी नाम तो शिकारी है भाई, लेकिन इसका शिकार जो है वो मेन काम नहीं है, इसलिए इसको बार बार पूछता है, क्यों, क्योंकि शिकार इनका मेन काम नहीं, इनका काम जो है वो चटाई वगैरह बनाना है, ठीक है, ये छिंद के पत्ते जो है ना, छिंद के पत्ते जो मैं बता रहा था चटाई वटाई बनता है, तो शिकारी जो जनजाति है ना वही छिंद के पत्तों से मेनली चटाई झाड़ू जो है वो बनाती है, शिकारी जाति। बैगा, बैगा जो जनजाति है ये एक वैद्य का काम करते हैं, वैद्य है ना, आज बैगा का टर्म थोड़ा अलग हो गया तंत्र मंत्र विद्या वाला, लेकिन ये वो ट्राइब है जिनको मेडिसिन का काफी अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है, पूर्वजों से ये देते आ रहे हैं, ये परंपरा से, ठीक है, इनके रिचुअल्स रही है कि भाई ट्रांसफर करें, तो इनके जितने भी सक्सेसर्स हैं वो सबको आपका अच्छा खासा नॉलेज होता है किनका, जड़ी बूटियों का, इसलिए इनको बैगा बोला जाता है, और वहां से फिर जो इलाज करते हैं तो ये लोग तंत्र मंत्र से इलाज करने लगे, और आज बैगा कहने लगे, वो तांत्रिक अलग है, वो तांत्रिक है, ये बैगा ट्राइब्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेडिसिनल मैन ऑफ इंडिया, भाई ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी में सबसे ज्यादा है ना बैगा जो ट्राइब्स है, इसीलिए इनको इंडिया का क्या बोला जाता है, मेडिसिनल मैन बोला जाता है, बहुत ही अच्छा इनको औषधियों का ज्ञान होता है, तो इसीलिए वैद्य हैं ये, ठीक है, तो याद रखना बैगा। तो ये ऑक्यूपेशंस हैं, इजी हैं, बहुत इजी हैं, दो तीन बार पढ़िएगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बैगा क्यों बोलते हैं। तो बैगा का टर्म कैसे आया, आप लोग सुने ही हैं, कोल से नाम ही है भाई, कोला खोदने का काम करेंगे। शिकारी जो डिफर होगा उसको याद रखना, शिकारी शिकार नहीं करते, क्या करते हैं वो, तो वो भाई छींद पत्तों से चटाई और ये सब बनाते हैं। धुरवा क्या करेंगे, खेती करेंगे। खड़िया क्या करेंगे, पालकी ढोएंगे। कोरकू जमीन खोदेंगे। बस ऐसा इतना एक एक लाइन जो है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब एग्जाम में आएंगे ना तो ये सब चीजों को जब आप पढ़े रहोगे तो बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि आपने उसको वैसे ही वे में पढ़ा है जैसा कि एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो ट्राइबल डांस के फॉर्म है, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डांस जो है, कौन कौन से ट्राइब करेंगे, मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि एक डांस कई बार कई प्रजातियां भी जनजातियां करती हैं। सैला और डंडा है,
तो सैला जो डांस का फॉर्म है वही डंडा भी कहलाता है, डंडा या सैला, डंडा सैला, सैला डंडा, ठीक है। तो बैगा तो करती है, साथ ही साथ गोंड ट्राइब भी करती है, ठीक है। बिल्मा, बी से बिल्मा और बी से बैगा, ये याद रख लेना, ठीक है। और बी से बेवार खेती भी करते हैं, इसलिए बैगा वाले में बी तो जरूर आता है, ब आता ही है, ठीक है। लेकिन सैला और डंडा भी ये करते हैं, बैगा जो है, ठीक है, इसको याद रखना। और यही साथ साथ एक है एबाल तोड़ और हुलकी पाटा, ठीक है। एबाल तोड़, हुलकी पाटा, गौर नृत्य, गौर नृत्य नहीं, एक और है ये गेड़े नृत्य, डिटोंग नृत्य, ठीक है, और है आपका मांदरी और ककसाड़। तो ये मुड़िया जनजाति ना खूब सारे नृत्य करती है, देखो अगर आप ऐसे लिंक करोगे ना तो और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। मारिया सबसे ज्यादा आपका मुड़िया जो है, ठीक है, मुड़िया लोग एबाल तोड़, हुलकी पाटा, ठीक है। उसके बाद गेड़ी, उसी को डेटोंग भी बोलते हैं, मांदरी, ककसार, ये सब कौन करते हैं, मुड़िया करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो मांदरी और ककसार है वो अबुझ माड़िया भी करेंगे, बाकी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गेड़ी और ये सब को अबुझ माड़िया लोग नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो मांदरी और ककसार को कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिंक जो है अलग से किया। गेड़ी डिटोंग को मुड़िया कर रहा है, एबाल तोड़ और हुलके पाटा को चाहो तो एक जगह भी लिख सकते हो, मेरा अलग अलग हो गया, इतना याद रखना। गौर नृत्य माड़िया लोग करते हैं, माड़िया याद रखना, ठीक है। इसी को बैसन हॉर्न डांस बोला जाता है, बैसन किसको बोला जाता है, गौर को। तो बैसन हॉर्न मतलब उनको शिकार करके उसके सींग को लगा करके, ठीक है, जो नृत्य किया जाता है वो बैसन हॉर्न आपका डांस कहलाता है, तो उसको याद रखिएगा, बैसन हॉर्न डांस। गौर नृत्य माड़िया करेंगी। सरहुल नृत्य हम देखे ही थे, नृत्य भी है, सॉन्ग भी है, उराव करती है। दमनच, दमनच नृत्य जो है कोरवा, वही कोरवा, पहाड़ी कोरवा, देहाड़ी कोरवा, कोरबा के ऊपर, ठीक है। दमनच नृत्य को सबसे खतरनाक नृत्य माना जाता है, इसमें जान भी चली जाती है ऐसा माना जाता है, ठीक है। दहशत वाली जो नृत्य है ये विवाह के समय किया जाता है, याद रखना दमनच, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कोरवा जनजाति जो है करती है। परब नृत्य, ठीक है, धुरवा जनजाति करती है, बस्तर साइड के जो धुरवा है परब नृत्य करती है। बार नृत्य, अब भाई ये बार नृत्य कंवर जनजाति करती है, तो ऐसा मत समझना वो डांस का फॉर्म है, ठीक है, जो लोग करते हैं तो बार नाम है उसका, ये पूछा भी गया है। कंवर जनजाति जो नृत्य करती है बार नृत्य, ठीक है, याद रखना। कंवर का मैं बताया भी था, दो तीन उपजातियां भी बताया था मैं, ठीक है। ढांढल और थापटी ये कोरको जनजाति करती है, कोरको, ढांढल और थापटी। कोरको कहाँ रहते हैं भाई, तो आपको बताया था कोरिया साइड सरगुजा डिवीजन में। ढांढल बोलते हैं और थापटी, थापटी एंड ढांढल कोरको जनजाति, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। माओपाटा और घोटुलपाटा ये मुड़िया जनजाति करती है, ठीक है, माओपाटा और घोटुलपाटा। तो ये कहाँ पे करती है, तो मुड़िया अंदर घोटुल पढ़े थे ना वहीं होता है ये मेनली, लेकिन कौन करती है, तो मुड़िया जनजाति ही करती है। तो मुड़िया सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है, कल्चर में भी रिच है ही, तो इन सब चीजों को तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। कर्मा, कर्मा कौन कौन करता है, तो बैगा करता है, उराव करता था, देखे थे हम लोग, कमार भी, सॉरी कर्मा कमार भी करते हैं, लेकिन बहुत मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, लेकिन बैगा और उराव को जरूर याद रखना। कुछ किताबों में दिया है कमार, इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन बैगा और उराव को याद रखना, बैगा और उराव, ठीक है, एक मैकार रेंज वाले, एक सरगुजा वाले। कमार का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन किताबों में दिया हुआ है, हो सकता है पूछ ले, इसलिए कमार मैंने लिखा है। एक भरम नृत्य है, भरम, भरम नृत्य, ठीक है, इसको भी थोड़ा अच्छा माना जाता है, ये भारिया जनजाति करती है, ठीक है, भारिया देखा थे हमने, जिसका भारिया भार उठाने से रंग भंग हो जाएगा, तो रंग भंग इनका क्या था, युवा गृह था, डोरमेट्री था, उसमें देखे थे, वही भारिया भड़म नृत्य करते हैं, इजी है, याद रखना आसान है, ठीक है। तो मुड़िया का आप अगर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा है, एबाल तोड़, हुलकी पाटा भी कर रहे हैं, गेड़े नृत्य, डिटोंग भी इसी को बोलते हैं, ये भी कर रहे हैं, मांदरी और ककसाड़ भी कर रहे हैं, माओ पाटा और घोटुल पाटा भी कर रहे हैं, तो मुड़िया के बहुत सारे हैं ना, ध्यान रखना, ये सब चीजों को पूछ लेता है। फिर सैला, डंडा और बिल्मा, ये बैगा करते हैं, और सैला और डंडा को जो है गोंड भी करते हैं, ठीक है। एबाल तोड़, हुलकी पाटे तो हो गया, गौर नृत्य जो है माड़िया करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। सरहुल उराव करते हैं, दमनच जो है वो कोरवा, कोरवा जो ट्राइब्स हैं वो क्या डांस करती हैं, तो दमनच, ठीक है, इजी है लिखना, डी ए एम एन ए सी एच, दमनच उत्तर लिख सकते हो, कोरवा ट्राइब्स करेंगे, ठीक है। परब जो डांस है, परब नृत्य, वो कौन करेगी, धुरवा करेगी। गेड़ी डिटोंग जो है मुड़िया ट्राइब्स करती है, ठीक है। बार डांस जो है वो कौन करेगा, कंवर, ठीक है। ढांढल और थापटी ये कोरको करेंगे, ठीक है। आपका कर्मा जो है कौन कौन करेंगे, तो बैगा और उराव को मेनली याद रखना, कर्मा डांस जो करते हैं बैगा एंड उराव, कमार भी दिया हुआ है कुछ किताबों में, तो इसलिए मैंने लिख दिया। भड़म जो डांस है, भड़म नृत्य, वो भारिया करती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा ऑक्यूपेशन की, कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि हर जनजाति को अलग से निकाल करके एक एक ट्राइब्स को पढ़ोगे ना तो वहां पर क्लियर नहीं होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन यहीं से आते हैं,
आप पर्टिकुलर ट्राइब्स को पढ़े, गोंड के बारे में डिटेल से पढ़ लिए, मुरिया के बारे में डिटेल से पढ़ लिए, तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए चुपचाप आप ना इस फॉर्म में करना, मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, ठीक है, मैंने देखा है 3-4 सालों में अच्छा खासा इनको ये मिला है। जब डिटेल में पढ़ाओगे तो वो मेंस के अकॉर्डिंग सही है उनको लिखने के लिए, बट प्रीलिम्स या इस एग्जाम में आपको ऐसे याद करने से आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। आप एक काम करना, इसको 2-3 बार पढ़ना, फिर एक साइड इसे पेज में लिख लिया आप, ठीक है, उस पेज को यहां से फोल्ड कर दिए और आप खुद से देखो कि कौन कौन से आपसे बन रहे हैं, अगरिया क्या कर रहे हैं, कमार क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं करके, ठीक है, या तो फिर एक साइड लिख लें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें 2-3 बार, और वीकली इसको जरूर देखें, अदरवाइज क्या होता है आप भूल जाते हैं, ठीक है। मैंने एक बताया कि भाई नो डिविजन विदाउट रिविजन, ठीक है, एक कहावत है नो डिविजन विदाउट रिविजन, तो रिविजन इज फॉर बेटर टू स्टडी मोर, ठीक है, स्टडी लेस रिवाइज मोर, ये कॉन्सेप्ट आप रखिए, यही अच्छा तरीका है आपका प्रीलिम्स का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को, इसी पैटर्न पे आप लोग याद करिए, इस पैटर्न पे पढ़िए, इजी है, कुछ खास नहीं है यार, इतना आसानी से होता है, इतना मजेदार चीज है ना कि आप खुद सोचोगे, लेकिन यही चीज को आप पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं ना तो ऐसा लगता है आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो नहीं करना है। इस सब में आपका खुद व खुद ट्राइब कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैं एक गोंड के बारे में बताऊं, जैसे एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है गोंड, तो आप बताओगे कि भाई सबसे बड़ा ट्राइब्स ग्रुप है जो आपको पता ही है, पहले से पता है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, गोंड जनजाति जो है सैला और डंडर नृत्य करती है, तो यही तो है सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि है ये बड़ा ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा उपजाति है, सब कास्ट सबसे ज्यादा किसके हैं, गोंड के, क्योंकि बैगा वैगा जितने बहुत सारे हैं ना वो गोंड की सब ट्राइब है, और क्या बोलेंगे, गोंडी भाषा बोलेंगे, तो पता ही है भाई आपको, हम देख लिए थे हरी भाषा में, आपका कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। बट ये तरीका आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज बस लेना है, एग्जाम नहीं निकालना है, तो वो बात अलग है, अदरवाइज सिलेक्शन लेना है, तो ये मेथड में मैं बहुत ज्यादा रिजल्ट पाया हूं, इसलिए ये सारी चीजें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत इजी वे है और बहुत ही आसानी से याद रखते हैं, और एग्जाम में लोग बना के आए हैं, मार्क्स लाए हैं, ठीक है, सेलेक्ट भी हुए हैं, तो ये सारी चीजें ना आपको ज्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा इन सब चीजों को, 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद सुन करके 1-2 बार याद करिए, फिर लिख के प्रैक्टिस करना कम से कम 3 बार, ठीक है, तो आप लोग को पूरा का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कल्चर्स में जो कुछ कुछ हमारे यहाँ अलग से दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि क्या क्या हमारे यहाँ ये मिलते हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, फोक डांस, फोक आर्ट, आर्ट तो लगभग हम लोग देख लिए, ठीक है, तो कल्चर वाला पार्ट में हम मेनली क्या देखेंगे कि एक तो पूजा से संबंधित होंगी, वर्शिप वगैरह जो होंगे वो केस टाइप की होंगी, तो एक तो रिलीजियस होंगी, मतलब धर्म से संबंधित होंगी, रिलीजियस जो वर्शिप होंगी, एक होंगी आपका जो सीजनल होंगी, ठीक है, जैसे कि इस सीजन में ये करेंगे, जैसे कि आपका श्रावण आया तो हरेली मनाएंगे, इस टाइप का, ठीक है, एक होगा आपका उत्सव, दैट मीन्स आपके जो मेला है, फेस्टिवल्स है उससे रिलेटेड, दिवाली में कैसा होगा, होली में कैसा होगा, दैट इज काइंड ऑफ, ठीक है, फिर एक होंगे आपके जो संस्कार से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये संस्कार कैसे होंगे, तो ये संस्कार आपके इससे रिलेट हो सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तब, ठीक है, विवाह के समय, मृत्यु के समय, तो इस टाइप का आपका संस्कार वाले होंगे, फिर एक होंगे आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, जैसे कि कर्मा, ददरिया, बांस गीत, ठीक है, और डंडा वगैरह गीत, तो ये गीत भी हैं कुछ कुछ जो हैं, और कुछ आपके सॉन्ग गीत दोनों हैं, जैसे पंथी वगैरह हो गया, पंडवानी हो गया, तो एक्टिंग भी है, प्ले भी है, और पंथी नृत्य भी है, सॉन्ग भी है, सरहुल नृत्य भी है, सॉन्ग भी है, तो इस टाइप को हम लोग देखेंगे अभी अच्छे से, ठीक है, तो अगले जो वीडियो हैं उसमें हम मिलेंगे इन्हीं सब चीज़ों के साथ, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ, जैसे कि धर्म पूजा से संबंधित गीत की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, भोजली गीत आएगा, तो भोजली गीत क्या है ये सब देखेंगे, ठीक है, अभी हम फोक सॉन्ग्स की ही बात कर रहे हैं, लोक गीतों की बात कर रहे हैं, तो लोक गीत आएगा, तो लोक गीत में क्या क्या होंगे, तो अलग अलग पार्ट में हमने इसको बाइफरकेट कर दिया, इजी हो जाता है, जैसे रिलीजियस मैटर्स पे कितने सॉन्ग्स हो जाएंगे, तो भोजली हो गया, ठीक है, भादों के मास में भोजली विसर्जन के समय गाया जाता है, या देवी गंगा लहर तुरंगा, तो ये सब भोजली गीत हो जाएंगे, जमारा गीत एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, आप लोग खुद एक बार पढ़िएगा, कल हम लोग थोड़े से करेंगे ना तो 80% हो चुका है ऐसा लगेगा,
जवारा गीत नवरात्र में गाया जाता है, नवरात्र में स्पेशली जो चैत्र नवरात्र में है ना, माता जी के प्रसन्न करने के लिए, और जवारा जब बोते हैं और विसर्जन करते हैं तो इस बीच में, ठीक है, मेनली विसर्जन के समय ये गीत गाया जाता है, जवारा गीत, ठीक है, नवरात्र के समय में गाया जाता है। जवारा बोते हैं ना, जौ वगैरह जो है वो बो करके रखा जाता है 9 दिन तक और फिर उसका विसर्जन करते हैं, तो ये जवारा गीत होता है, ठीक है। फिर माता सेवा गीत, जब भी मूर्ति की स्थापना होती है नवरात्र में स्पेशली, तो उस समय, ठीक है, उनकी सेवा के लिए, माता दुर्गा की सेवा के लिए, मतलब शाम को डेली गाया जाता है, ये माता सेवा गीत कहलाता है, ये भी आपके नवरात्र से संबंधित है। फिर आपका गौरी गौरा गीत, तो दीपावली के दिन ही, ठीक है, रात्रि को ये गौरी गौरा स्थापना होती है, ठीक है, गौरा चौरा में सभी गांव और ये सब रीजन पे होते हैं, ठीक है, अगले दिन इनका विसर्जन किया जाता है। गौरी गौरा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा है, स्पेशली गोंड जनजाति जो है ये करती हैं, इसी गौरी गौरा के ही पूजा के कारण ही, ठीक है, आपका सुवा नृत्य और ये सब भी प्रचलित है, गौरा गीत भी गाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, और गौरा गीत भी उसी दिन गाया जाता है, कब, तो लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन ही, ठीक है, ये याद रख लेना। जस गीत, तो जस गीत देखो, जस का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वही जस होता है, ठीक है, तो देवी देवता की प्रशंसा करने के लिए जो गीत गाया जाता है वो जस गीत होता है, वो माता के भी हो सकते हैं, किसी भगवान के हो सकते हैं, भगवान कृष्ण के हो सकते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु के हो सकते हैं, देवी आराधना हो सकती है, तो जस गीत का मतलब उनकी प्रशंसा से रिलेटेड जो गीत है, महिषासुर मर्दिनी का है, माता दुर्गा का है, ठीक है, किन्हीं का भी हो सकता है, भगवान कृष्ण का हो सकता है, ठीक है, भगवान विष्णु का हो सकता है, भगवान शिव के हो सकते हैं, माता पार्वती के हो सकते हैं, किसी के भी जस गीत का मतलब वहां पे पर्टिकुलर उनके मंदिर पूजा स्थल पर उनकी प्रशंसा के लिए गीत गाया जाता है। ऋतुओं पर जैसे दो गीत हैं मेनली, फाग गीत है फागुन में, और आपका सवनाही, हाँ, फाग गीत फागुन में गाया जाता है, और सवनाही गीत सावन में गाया जाता है, तो ये है। फिर उत्सव अग्रह से संबंधित जैसे कि राउत नाचा, राउत नाचा कब होगा, तो दीपावली में इस समय होगा। सुआ गीत होगा, ये भी दीपावली के समय ही होता है, अभी बताया था। छेरछेरा गीत है, पौष मंथ के पूर्णिमा को छेरछेरा मनाया जाता है और उस दिन छेरछेरा गीत गाया जाता है, छेरिक छेरा छेर मारकिन छेरछेरा वाला, काफी सुने ही होंगे आप लोग, तो वो क्या है, छेरछेरा गीत है। फिर देखते हैं संस्कार गीत, संस्कार गीत में विवाह गीत होगा तो विवाह के समय में गाया जाएगा। सोहर गीत है, बच्चे के पैदा होने के समय में गाया जाता है। फिर आपका पठौनी गीत वगैरह है, ठीक है, और पठौनी गीत मतलब जो वो करते हैं, है ना, गौना गीत, पठौनी गीत, कहीं ना कहीं विवाह से ही संबंधित है, ठीक है, इतना याद रखो। फिर मनोरंजन वाले हैं, करमा ददरिया, ये सब तो जानते ही हो, है ना, बहुत सारे गाने भी आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो यूट्यूब में सुनिए, आप लोग को इजी लगेगा पढ़ने के लिए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है आपके सीजी के, करमा, ठीक है, डंडा ददरिया, बांस गीत, ये सारे बांस गीत आपका स्पेशली जो राउत जनजाति है वो गाती है, राउत जाति द्वारा गाया जाता है। करुण गाथा पर राजा मुरध्वज की कहानी वगैरह जो है इसमें बताया जाता है, श्रवण कुमार की कहानी बताई जाती है, काफी करुण गीत होती है ये, ठीक है, तो ये स्पेशली राउत जाति गाए जाते हैं। तो ये आप लोग का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, ठीक है, एक बार आप नोट्स को पढ़िए, कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप से ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, गीत वगैरह जो कल्चर के हमारे सॉन्ग्स हैं, कल्चरल सॉन्ग्स हैं या फोक सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो लोक गीत हैं, ठीक है, इस बारे में भी आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, क्या चीजें हैं, कैसे पढ़नी है, होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट या क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, शेयर करिए, डाउट पूछिए, ठीक है, बट ये तरीकों को आप लोग अच्छे से 2 से 3 बार करिए, क्योंकि मैं जानबूझ के लिखा हूँ, इतने आपको कंटिन्यू नहीं है आपके नोट्स में, इसलिए मैंने लिखा एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पर भी इससे ज़्यादा है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है वो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। लिंक करना आपको आना चाहिए और आप ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, तो मैं तो बोलूँगा कि 2-3 बार इसको लिख लीजिए, 2-3 बार, 1-2 बार वीडियो सुन के पलट लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, हफ्ते हफ्ते में बस रिवाइज करना, 100% बनेंगे आपसे, ठीक है, मेरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस 10% से ज़्यादा नहीं है, 90% यहीं से ही आते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना।